हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का, जो कि हमारा पिछले दो क्लासेस हमारी लग चुकी है, मतलब दो वीडियो आ चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर सिखाया था, जबकि सेकेंड में एक्सरसाइज 1.1 करा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी है। तो आइए चलते हैं इरेशनल नंबर को समझते हैं। पहली बात, इरेशनल नंबर आपसे होता क्या है? तो इरेशनल नंबर रिवर्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसका उल्टा इरेशनल नंबर होता है। मतलब इरेशनल नंबर, फर्स्ट पॉइंट से ये समझते हैं कि इरेशनल नंबर इज द नंबर इट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इस नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है? लिखेंगे इट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। मतलब हम उसको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, तो फिर हम किस में लिखेंगे इसको? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि इरेशनल नंबर कैन बी रिटन इन अंडर रूट, मतलब इसका मतलब है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है कि इरेशनल को हम या तो क्यूब रूट में लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में लिख सकते हैं, वो नंबर लिख सकते हैं जो कि प्राइम नंबर हो या फिर जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और ठीक है, तो या तो वो नंबर परफेक्ट प्राइम नंबर हो या वो परफेक्ट स्क्वायर में हो या परफेक्ट क्यूब, ठीक है? तो उन नंबरों को हम किसमें लिख सकते हैं? इरेशनल नंबर में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं इसका कोई एग्जांपल। एग्जांपल जैसे कि प्राइम नंबर के हिसाब से अगर हम देखें एग्जांपल को, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, दिस इज द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। ये सारे की सारे किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? इरेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमको जो एग्जांपल दिए हैं या तो वो प्राइम नंबर हो या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या परफेक्ट क्यूब ना हो, वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है? अब जैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते थे, उसी तरीके से क्या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं कि रियल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जानिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होते हैं हमारे, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है? तो जो रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर होते हैं। आइए समझते हैं रियल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेशनल, तो रेशनल नंबर को लेने के लिए हमने एक लाइन खींची, ठीक है? तो अब इस लाइन में मैंने एक जीरो बनाया और एक वन बनाया। अब इस जीरो से इस वन के बीच में कितनी लाइंस होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहां पर मैं डालूंगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10 = 1, ठीक है? तो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे किसको शो कर रहे हैं? रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। बट इरेशनल नंबर की कंडीशन में हम इसको ऐसे शो नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे तो जर्मन मैथमेटिशियन हुए, ठीक है? उन्होंने निकाला, ठीक है? तो उन्होंने थोड़ी सी इसमें पाइथागोरस की भी हेल्प ली है,
देखते हैं समझते हैं कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले पाइथागोरस में जैसे एक बेस होता था, एक परपेंडिकुलर होता था, तो उस बेस और परपेंडिकुलर से मिलती हुई क्या होती थी, पोटेंस होती है। यही होता था बेस परपेंडिकुलर एंड पोटेंस बाय पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। ये बेस, ये जो इधर वाला जो लेटा हुआ है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है वर्टिकल है, और जो ये स्लैंटेड है ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसका स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमने लेट कर दिया पी इक्वल टू वन यूनिट एंड बी इक्वल टू वन, मान लिया कि B जो है वो वन है और पी डी क्या है ना वन, तो बी वन पी वन, तो H हमारा कितना आ जाएगा, पुट करते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन, H स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो H इक्वल टू अंडर रूट टू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है अंडर रूट। इसी चीज की हेल्प लेकर, इसी चीज के हेल्प लेकर हमने नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को सेट करना सीखा, इरेशनल नंबर नंबर लाइन। देखिए कैसे लेते हैं, ये हमने एक लाइन बना ली, इसमें मैंने एक जीरो खींच ली है। अब जीरो से स्केल की मदद से वन यूनिट मेजर कर ली, कैसे से मैंने वन यूनिट अपने मन से स्केल स्केल का यूज करके आप यहां से लेके वन यूनिट अंदाजे से, मैं तो अंदाजे से ले लिए, आपको वन यूनिट ये मेजर कर दी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद कम डी की मदद से, जो प्रोटेक्टर होता है उसकी मदद से आप इस तरह से 90 डिग्री वन यूनिट, 90 डिग्री प्लस वन यूनिट आप यहां पर ले सकते हैं। इस पॉइंट को आप बी मानेंगे और यहां से एक वन यूनिट को, तो मैंने ए बी कितना ले लिया वन यूनिट, यूनिट मतलब चाहे वो मीटर में हो सेंटीमीटर में हो किसी में भी हो, मैं कोई मीटर। अब हमने क्या किया, यहां से इस ओ को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो यहां पर हमारे इस ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, तो लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। हमको मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहां पर अंडर रूट 2 कुछ भी हो यूनिट तो अंडर रूट 2 है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये अंडर रूट है। अब हमको क्या करना है, इस अंडर रूट 2 को शो करने के लिए नंबर लाइन, अब हम किसको शो कर रहे हैं अंडर रूट 2 को शो, तो अंडर रूट 2 को शो करने के लिए हमें नंबर लाइन में कंपास लेना है, कंपास, कंपास को ओ पर रखना है, बी तक ले जाना है और बी से स्लाइडर करके यहां पर, तो जो ये वाला पॉइंट होगा यहां से चलकर जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट अंडर रूट 2 को शो करेगा क्योंकि इरेशनल नंबर होगा और शो हो चुका है किस पर, नंबर लाइन। तो ये एक मेथड है। अभी इसके बाद अगर रूट 3 किसी को निकालना होगा, इसे रूट 2 नहीं रूट 3 चाहिए किसी को, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसी के ऊपर इस अंडर रूट 2 को चाहिए, अगर समझेंगे रफली समझेंगे अंडर रूट 2 हमारा ये मतलब दिस इज बेस। अब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस, ठीक। अब ये बेस है तो यहां इस बेस पे से 90 डिग्री लेना, तो डी को हमें कैसे रखना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक। देखो मैं लिखता हूं डी टूटी हुई है, क्योंकि ये मिडिल है इसका, इस डी के मिडिल से आपको इसका रखना है, ये मिडिल पर आ गए। अब यहां से इस मिडिल कुछ इस टाइप से रखना है और इस मिडिल से इसके 90 डिग्री को, ठीक। अब स्केल की मदद से, स्केल की मदद से यहां से वन यूनिट कितने यूनिट, वन यूनिट। तो देखिए पहले टू यूनिट था अंडर रूट 2 यूनिट, अब उसके बाद तो ये क्या हो गया इसका बेस, मतलब बेस कितना है अंडर रूट 2 और ये कितना है वन यूनिट। अब देखना पड़ेगा ये कितना आएगा, तो हाइपोटेनस भी फिर से यही मैथड,
अब लगाएंगे पाए पाइथागोरस थ्योरम, पर पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पर बेस क्या है, ये रहा, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, देखते क्या आता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 यूनिट है परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट लिखेंगे यहां, 1 यूनिट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर वैसे बात है, और यहां पर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमारा कितना है रूट 2 है, ठीक है, और यहां का स्क्वायर जब आएगा तो ये किसका होगा, तो मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3। अब जब अंडर रूट 3 आ जाएगा हमारा, तो इसको कंपास को यहां रखना है, इस अंडर रूट से ये लेना है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अंडर रूट 3 ऑन अ नॉर्मल लाइन। तो इसी तरीके से आप जब अंडर रूट 4 तो रेशियो नंबर हो जाएगा, इसके निकालने की जरूरत, अंडर रूट 5 जब निकालोगे तो वो हमारा कुछ इसी टाइप से निकलेगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा इरेशनल इन अ नंबर लाइन और इरेशनल का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए।